Hello everyone, this class is presented to you by Didymi IAS. In this class, we will discuss Anglo-Sikh Wars. So, two Anglo-Sikh Wars hote hain, first Anglo-Sikh War and second Anglo-Sikh War. So, first Anglo-Sikh War, it took place from 1845 to 1846. तो आप सबको पता है कि देयर वर 10 सिख गुरुज, और जब 10th सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह की डेथ होती है तो जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर वो आगे आते हैं वो थे बंदा सिंह बहादुर, राइट। तो बंदा सिंह बहादुर की डेथ के बाद जो उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर आते हैं जो सिख की कमांड को संभालते हैं वो थे रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह की डेथ के बाद काफ़ी एनार्की फैल जाती है सिख एम्पायर में, और उस वजह से ये जो वॉर्स है वो ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वो होता है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। The outbreak of the first Anglo-Sikh wars has been attributed to the action of the Sikh army crossing the river Satluj on December 11, 1845. तो ये जो रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो बाकी जो सिख लोग होते हैं, बाकी जो यू नो सिख रूलर्स होते हैं, वो अपने ऑब्वियसली एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, रिवर सतलुज को क्रॉस करके वहाँ कुछ एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक रीज़न था। देयर वॉज दिस वॉज सीन एज एन एग्रेसिव मूवमेंट दैट प्रोवाइडेड द इंग्लिश विद द जस्टिफिकेशन टू डिक्लेयर वॉर। तो ये जो उनका एक्सपेंशन का ये जो मोटिव था वो जो इंग्लिश थे उनको ये एक काफ़ी एग्रेसिव मूवमेंट लगता है, और उनको लगता है कि दिस इज़ अ सफिशिएंट रीज़न टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द सिख पीपल। सो दिस इज़ द इमेज शोइंग वेरियस रिवर, देयर इज़ इंडस, जेलम, चिनाब, रावी। तो ये जो रावी है इसके अराउंड ही देयर इज़ लाहौर, अमृतसर। तो यहाँ पे जो सिख है वो अपना जो है इसको क्रॉस करके यहाँ पे अपना जो किंगडम है वो एक्सपैंड करने की कोशिश करते थे। So the causes were however much more complex and may be listed as follows. The anarchy in the Lahore kingdom following the death of Maharaja Ranjit Singh, resulting in a power struggle for domination between the court at Lahore and the even powerful and increasingly local army. So Ranjit Singh ki death ke baad, as we previously discussed, Sikh Empire ke beech mein ya Lahore kingdom ke beech mein anarchy phail gayi thi, kafi zyada confusion thi ki kisko jo है नेक्स्ट रूलर बनाया जाए। तो उस वजह से काफी ज्यादा वहां पे एनार्की फैल गई थी। सेकंड, सस्पिशंस अमंगेस्ट द सिख आर्मी अराइजिंग फ्रॉम इंग्लिश मिलिट्री कैंपेन्स टू अचीव द एनेक्सेशन ऑफ ग्वालियर एंड सिंध एंड द कैंपेन इन अफगानिस्तान। तो सिख आर्मी के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा यू नो वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स चला रही थी। वो ग्वालियर को एनेक्स कर लिया था उन्होंने, सिंध को एनेक्स कर लिया था, दे वर ऑल्सो कैंपेनिंग इन अफगानिस्तान, उधर वो कैंपेन्स कर रहे थे। तो जो सिख थे, सिख आर्मी थी, उनको एक सस्पिशन अराइज हो गया था इंग्लिश के अगेंस्ट कि अब ये लोग हमारा जो किंगडम है उसको भी एनेक्स करेंगे। थर्ड, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स बीइंग स्टेशन्ड नियर द बॉर्डर विद द लाहौर किंगडम। अब ये जो लाहौर किंगडम का बॉर्डर था वहाँ पे भी जो इंग्लिश ट्रूप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश ट्रूप्स को वहाँ पे स्टेशन कर दिया था। तो ये तीन रीजंस थे जिसकी वजह से एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था। पहला, रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो एनार्की फैल गई थी लाहौर किंगडम में। दूसरा, जो इंग्लिश थे वो ग्वालियर, सिंध ये सबको एनेक्स कर चुके थे। तो देयर वॉज अ सस्पिशन अमंग द सिख आर्मी। तीसरा, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर ऑफ लाहौर किंगडम। सो दीज वर द वेरियस कॉजेज विच लेड टू फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। नाउ कोर्स ऑफ वॉर। द वॉर बिगेन इन डिसम्बर 1845 विद 20,000 टू 30,000 ट्रूप्स ऑन द ब्रिटिश साइड, वाइल द सिख्स हैड अबाउट 50,000 मैन अंडर द ओवरऑल कमांड ऑफ लाल सिंह। तो ये जो सिख आर्मी थी ये किसकी कमांड के अंडर थी, लाल सिंह के अंडर, उनकी कमांड के अंडर सिख आर्मी थी। और इनके जो
फोर्सेस थे उनके 50,000 थे, और जो इंग्लिश थे उनके जो ट्रूप्स थे दे हैड ओनली 20,000 to 30,000 ट्रूप्स. तो देखा जाए तो सिख आर्मी ऑब्वियसली वो इजिली दे कुड हैव वन दिस बैटल, बट जो लाल सिंह थे और तेजा सिंह थे वो ट्रेटर्स निकले, और उन्होंने जो सिख थे दे वेंट अगेंस्ट द सिख एंड दे फेवर्ड दी इंग्लिश. तो बेसिकली इनकी ये जो इनके ये धोखे की वजह से जो ब्रिटिश थे दे इजिली वन दिस बैटल. इनफैक्ट इवन विदाउट अ फाइट दे वन दिस बैटल. ये सेम चीज अगर आपको याद होगी बैटल ऑफ प्लासी में भी हुई थी. मीर जाफर, रोमी चंद और दो तीन और लोग, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने धोखा दिया था नवाब सिराजुद्दौला को, और इसीलिए जो ब्रिटिश थे वो बहुत ही इजीली जो बैटल ऑफ प्लासी है वो जीत गए थे. सिमिलरली इसमें भी लाल सिंह और तेजा सिंह ने दे वेंट अगेंस्ट द सिख पीपल, दे वेंट अगेंस्ट देयर ओन पीपल एंड फेवर्ड द इंग्लिश, एंड बिकॉज ऑफ दिस लाहौर फेल टू द ब्रिटिश फोर्सेज, और इसकी वजह से जो है लाहौर वो इंग्लिश के पास चला गया इवन विदाउट अ फाइट. सो दिस इज द इमेज ऑफ लाल सिंह. नेक्स्ट इज द ट्रीटी ऑफ लाहौर. तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑन मार्च 8, 1846. द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फोर्स्ड द सिख्स टू साइन अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑन मार्च 8, 1846. द मेन फीचर्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ लाहौर वर एज फॉलोज. फर्स्ट, वॉर इंडेमनिटी ऑफ मोर देन 1 करोड़ रुपीज वॉज टू बी गिवन टू द इंग्लिश. बाकी वॉर्स में भी सेम चीज़ होती है, जो ब्रिटिश थे जब भी वो जीतते हैं थे वो कुछ वॉर डैमेजेस या फिर वॉर इंडेमनिटी वो हमेशा लेते थे लूजिंग साइड से. तो यहाँ पे भी सिख से 1 करोड़ रुपीज की वॉर इंडेमनिटी ली गई थी. द जलंधर दुआब जो कि था बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर, इट वॉज एनेक्स्ड बाय द कंपनीज डोमिनियंस. अ ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज टू बी एस्टेब्लिश्ड एट लाहौर अंडर हेनरी लॉरेंस. तो एक परमानेंटली एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो था वो लाहौर में उसको एस्टेब्लिश कर दिया था अंडर हेनरी लॉरेंस. तो ये था ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में जो कि हुई थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद. ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ द सिख आर्मी वॉज रिड्यूस्ड. दिलीप सिंह वॉज रिकग्नाइज एज द रूलर. तो अब रूलर किसको बना दिया गया था, दिलीप सिंह को, अंडर रानी जिंदन एज रेजेंट एंड लाल सिंह एज वजीर. तो रेजेंट क्या होता है, बेसिकली जो एक रूलर होता है अगर वो रूलर एबसेंट है या फिर माइनर है या फिर इतना ज्यादा कुछ डिसेबल्ड है, तो उसकी जो एक मेन कमांड होती है वो एक मेन एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे पर्सन के हाथ में दे दी जाती है जिसको रेजेंट कहते हैं. तो यहाँ पे भी दलीप सिंह वो मेन रूलर थे, लेकिन जो असली में कमांड थी वो किसके पास थी, रानी जिंदन के पास. मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किस में हाथ किसके हाथ में थी, रानी जिंदन के हाथ में. और लाल सिंह को क्या बना दिया जाता है, वजीर. सिंस द सिक्स वर नॉट एबल टू पे द एंटायर वॉर इंडेमनिटी, कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू वॉज सोल्ड टू गुलाब सिंह एंड ही वॉज रिक्वायर्ड टू पे ₹75 लाख टू द कंपनी एज द प्राइस. अब जैसे कि हमने पहले देखा 1 करोड़ रुपीज की वॉर इंडेमनिटी जो है वो सिख ने देनी थी इंग्लिश को, बट क्योंकि वो सारी ये वॉर इंडेमनिटी नहीं दे पाए तो क्या हुआ, उन जो कश्मीर और जम्मू था वो किसको दे दिया गया, गुलाब सिंह को. और बदले में गुलाब सिंह ही वॉज रिक्वायर्ड टू पे ₹70 लाख टू द कंपनी एज द प्राइज. द ट्रांसफर ऑफ कश्मीर टू गुलाब सिंह वॉज फॉर्मलाइज बाय अ सेपरेट ट्रीटी ऑन मार्च 16, 1846. तो ट्रीटी ऑफ लाहौर में ये सारी चीजें थी, बट इसके बाद एक और ट्रीटी होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ भैरोवाल. द सिक्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर ओवर द इशू ऑफ कश्मीर, सो दे रिबेल्ड. इन दिसंबर 1846 द ट्रीटी ऑफ भैरोवाल वॉज असाइंड. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी, रानी जिंदन वॉज रिमूव्ड एज द रेजेंट. तो रानी जिंदन को ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंडर शी वॉज अपॉइंटेड एज द रेजेंट एंड शी वॉज रिमूव्ड एज द रेजेंट किस ट्रीटी के अंदर, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल. अब उनको तो एज अ रेजेंट रिमूव कर दिया गया था और उसकी जगह एक काउंसिल ऑफ रेजेंसी फॉर पंजाब वॉज सेटअप. द काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ 8 सिख सरदार्स प्रिसाइडेड ओवर बाई द इंग्लिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस.
तो ये आपको याद रखना है कि एक काउंसिल फॉर रीजेंसी बना दी गई थी जिसमें क्या थे, 8 सिख सरदार थे और देवर प्रिसाइडेड ओवर बाय हेनरी लॉरेंस। सो दिस वाज ऑल अंडर द ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। तो हमने देख लिया कि कौन से रीजन थे जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, और उसके बाद दो ट्रीटीज हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी और ट्रीटी ऑफ भैरोवाल हुई थी। दोनों ट्रीटीज के क्या क्या प्रोविजंस थे वो भी हमने पढ़ लिए। नाउ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर फ्रॉम 1848 टू 49, इसके कॉजेज क्या थे? द डिफीट इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटीज ऑफ लाहौर एंड भैरोवाल वर हाईली ह्यूमिलिएटिंग फॉर द सिख्स। तो पहला रीजन क्या था कि जो ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ भैरोवाल थी उनके जो प्रोविजंस थे दे वर यू नो क्वाइट ह्यूमिलिएटिंग फॉर द सिख्स। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू रानी जिंदन हु वॉज सेंट टू बनारस एज अ पेंशनर एडेड टू द रिजेंटमेंट ऑफ द सिख्स। और जो रानी जिंदन थी शी वॉज यू नो इन ह्यूमनली ट्रीटेड, उसकी वजह से भी सिख पीपल दे वर क्वाइट यू नो एंग्री विद द ब्रिटिश। मुलराज द गवर्नर ऑफ मुल्तान वॉज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सिख गवर्नर ओवर द इशू ऑफ इंक्रीज इन एनुअल रेवेन्यू। तो जो मुलराज थे वो क्या थे, गवर्नर ऑफ मुल्तान थे, बट उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक नए सिख गवर्नर के साथ। तो उसकी वजह से जो मुलराज है वो रिवोल्ट करते हैं और दो इंग्लिश ऑफिसर्स को वो मर्डर कर देते हैं, और जो दो इंग्लिश ऑफिसर्स थे उनका वो मर्डर कर देते हैं अकम्पनिंग द न्यू गवर्नर। शेर सिंह वॉज सेंट टू सप्रेस द रिवोल्ट। अब इस रिवोल्ट को जो मुलराज सिंह ने स्टार्ट किया था उसको सप्रेस करने के लिए शेर सिंह को भेजा जाता है, बट जो शेर सिंह होते हैं वो मुलराज के साथ ही जॉइन्स मुलराज एंड विच लीड्स टू अ मास अपराइजिंग इन मुल्तान। तो शेर सिंह और मुलराज मिलके एक बड़ा रिवोल्ट वो स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोला जाता है द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर। बाकी रीजंस भी है जैसे कि एक जो इनह्यूमनली ट्रीटमेंट रानी जिंदन को मिली थी, उसके अलावा जो ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ बैरोवाल के जो प्रोविजंस थे उसकी वजह से, बट जो इमीडिएट रीजन था वो ये था कि जो मुलराज थे ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, उन्होंने और शेर सिंह ने मिलके एक काफ़ी ज़्यादा एक रिवोल्ट जो शुरू कर दिया था, एंड दैट वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलाउजी अ हार्ड कोर एक्सपेंशनिस्ट गॉट टू द प्रीटेक्स्ट टू एनेक्स पंजाब कम्प्लीटली। तो उस टाइम पे जो लॉर्ड डलाउजी थे ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर उन्होंने सोच लिया दैट नाउ ही विल एनेक्स पंजाब कम्प्लीटली। सो थ्री इम्पॉर्टेंट बैटल्स वर फॉट बिफोर द फाइनल एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। तो जो फाइनली तो पंजाब एनेक्स हो गया था कब, थ्रू दी आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। और इस कॉन्टेक्ट इसी टाइम पे तीन और बैटल्स होती हैं। जो पहली बैटल थी वो थी बैटल ऑफ रामनगर विच वॉज लेड बाय सर ह्यू गो द कमांडर इन चीफ ऑफ द कंपनी। सेकेंड इज बैटल ऑफ चिलन वाला जनवरी 1849। थर्ड इज बैटल ऑफ गुजरात विच वॉज इन फेब्रुअरी 21, 1849। अंडर दिस द सिख आर्मी सरेंडर। इस बैटल के अंडर, बैटल ऑफ गुजरात के अंडर, सिख आर्मी ने सरेंडर कर दिया था एट रावलपिंडी, एंड देयर अफगान एलाइज वर चेज्ड आउट ऑफ इंडिया। अब गुजरात क्या है, एक स्मॉल टाउन था रिवर जेलम के ऊपर। तो ये जो तीन बैटल्स है ये हुई थी, और उसके बाद फाइनली जो है पंजाब को एनेक्स कर लिया था आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। एट द एंड ऑफ द वॉर केम देर वॉज अ सरेंडर बाय द सिख आर्मी एंड शेर सिंह इन 1849। देर वॉज एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, सेटिंग अप ऑफ अ 3-member बोर्ड टू गवर्न पंजाब। तो अब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद एक बोर्ड बना दिया गया था विच वॉज कंप्राइजिंग ऑफ 3 members। सो अ 3-member बोर्ड टू गवर्न पंजाब। तो इसमें जो 3 members थे वो कौन थे, 2 लॉरेंस ब्रदर्स, हेनरी लॉरेंस एंड जॉन लॉरेंस एंड चार्ल्स मानसिल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि सेकेंड
एंग्लो सिख वॉर के बाद जो एक बोर्ड बनाया गया था, एक 3 मेंबर बोर्ड बनाया गया था टू गवर्न पंजाब, उसके मेंबर्स कौन थे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन 1853 द बोर्ड वॉज नलीफाइड, बट बाद में इस बोर्ड को नलीफाई कर दिया जाता है एंड पंजाब वॉज प्लेस्ड अंडर अ चीफ कमिश्नर। तो पहले तो एक 3 मेंबर बोर्ड के अंडर रखा जाता है पंजाब को, बट फिर उस बोर्ड को नलीफाई करके पंजाब को अब एक चीफ कमिश्नर के अंडर रख दिया जाता है। और जो फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे, जॉन लॉरेंस बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। तो दिस वॉज अबाउट सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। अब व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंग्लो सिख वॉर्स, द एंग्लो सिख वॉर्स गेव द टू साइड्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फाइटिंग प्रोविस। अब ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि दो सिख और इंग्लिश के बीच में ये वॉर्स हुई, पंजाब को एनेक्स कर लिया इंग्लिश ने, बट दोनों साइड्स यू नो वो काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की स्किल्स को, फाइटिंग स्किल्स को। इंग्लिश को पता था कि जो सिख हैं उनकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं एंड दे एक्सेप्टेड दिस फैक्ट, एंड सिमिलरली सिख ऑल्सो एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट येस जो इंग्लिश की मिलिट्री स्किल्स हैं, फाइटिंग स्किल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। सो देर वॉज दिस म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फाइटिंग प्रोविस और फाइटिंग स्किल्स। इस वजह से द सिक्स दे वर टू फाइट लॉयली ऑन द ब्रिटिश साइड्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसी वजह से जो सिख है वो आने वाले टाइम में भी ब्रिटिश के एलाइज ही रहते हैं। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है तब भी जो सिख है वो किसकी तरफ से लड़ते हैं, ब्रिटिश की तरफ से, एंड इन मेनी अदर कैंपेन्स एंड वॉर्स अंटिल द इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ द एंग्लो सिख वॉर्स। नाउ वी विल डिस्कस वन सैम्पल MCQ। Who among the following annexed Punjab as British territory after the Second Anglo-Sikh War? First is Warren Hastings, second is Robert Clive, third is Ivy Coote and fourth is Lord Dalhousie. तो हमने ये अभी पढ़ा कि Lord Dalhousie थे, उन्होंने वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जब पंजाब को एनेक्स किया गया था after the Second Anglo-Sikh War. So this was all about the two Anglo-Sikh wars. I hope it is clear to you all. Thank you very much.